मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में गुरुवार को राजभवन पहुंचे प्रदेश के वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर के बयान में कोई दम नहीं है, हमने कहा है शराब बंदी करेंगे तो होगी। अभी 1.25 साल ही हुए हैं सरकार में आए और यदि इस पर निर्णय लेने पर 2 साल और लगेंगे तो लगे, अच्छे से बंद करेंगे। अकेले का काम शैतान का काम है, इसलिए शराबबंदी हम लोग सभी लोगों के राय लेकर करेंगे, जिसके लिए एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है। ये अजय चंद्राकर का जो बयान में कोई दम नहीं है, अब उसके विधानसभा में 4 जिला पंचायत थे, चारों कांग्रेस जीता है और नगर पंचायत एक में पूरा सीट जीते हैं और जनपद में पूरा सीट जीता है, वो चुपड़ा साफ हो गया। वो तो कुछ उलुल जुलुल बात करेगा, उसको कोई तवज्जो नहीं है। उनको छत्तीसगढ़ में राजनीति करना है, छत्तीसगढ़ का जनता का सेवा करना है। चाहे घोषणा पत्र में उनको बोल के थोड़ी लिखते हैं, मोदी हमको बोल के लिखा था कि 15 लाख देंगे, तो दिया नहीं। तो हम लोग हमारा घोषणा पत्र में उनको समर्थन मांग रहे हैं, हम ये घोषणा पत्र है इसका समर्थन कर दिए करो, ये करना है कि नहीं करना है, सुझाव तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मंचक क्या है। अगर छत्तीसगढ़ का जनप्रतिनिधि है और उनको अधिकार है क्या पति करना या सुझाव देना या समर्थन करना, हमारे भारतीय जनता पार्टी टाइप का आरएसएस के दिमाग से नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जनता करने हम और चुने हुए लोग, चाहे किसी भी पार्टी का, छत्तीसगढ़ का जनता का, छत्तीसगढ़ का व्यापारी, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक दल, हम सबको मानता है। चुनाव के समय हम राजनीति करता है, आप जब सरकार बनाए हम लोग जो भी कोई भी फैसला करना है तो आम आदमी का राय होना है, आम आदमी से हम पूछ के करेंगे, इसलिए उनको राय देना है, उनको राय देना छोड़ के आज 1.25 साल नहीं और 2 साल लगेगा या हम लोग इसका बंद करेंगे। 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, हम अच्छा बंद करेंगे, क्योंकि सबका राय होना है, सबका नीति, सबका समर्थन में जो काम होता है वो सही होता है। एकलाई का काम बोलते ना शैतान का है, इसलिए हम लोग इसको पूरा लोग से, सरगुजा से लेके बस्तर से, छत्तीसगढ़ से, व्यापारी से, आम आदमी से, राजनीतिक दल से, चुने हुए प्रतिनिधि से, अभी पंचायत में चुने हुए हैं इनसे भी पूछ लेंगे, नया पार्टी बनेगा नगर पालिक नगर निगम में, सबसे राय लेके उसके बाद हम लोग कुछ दिन उसको वक्त देंगे, समय देंगे। अगर नहीं देगा तो सरकार चलेगा, सरकार अपना निर्णय लेगा, हम लोग वक्त तो देना पड़ेगा ना, आज नहीं देगा कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। भाजपा करने से उसका उसका कानून से हम थोड़ी चलेगा, हमारा कानून है, हम महात्मा गांधी का रास्ता के चलने वाले लोग हैं, सब लोगों को आम आदमी से, सब पार्टी के छत्तीसगढ़िया लोगों से, छत्तीसगढ़ का हित में कैसा होगा, छत्तीसगढ़ का जनता का क्या हित होगा, नुकसान क्या होगा, इसलिए तो हम आकलन कर रहे हैं। उनको छत्तीसगढ़ में राजनीति करना है तो देना होगा, उसको अच्छा व्यवस्था करेंगे। अभी हम लोग सरकार चलाने मौका कहाँ मिला है, सरकार चलाने मौका नहीं मिला। हम लोग सरकार जैसा बना आम चुनाव लोकसभा हुआ और उसके बाद फिर उपचुनाव विधानसभा बस्तर में हुआ, उसके बाद नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके बाद पंचायत का चुनाव हुआ। अब भी तो हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा, कैसा अच्छा चार बेचना है कि नहीं बेचना है, लोगों को तक कैसा जाना है। अभी हम लोग 4 साल छत्तीसगढ़ का सेवा करेंगे, छत्तीसगढ़ का जनता का सेवा करेंगे, हम लोग चुनाव में भी जीते। ये जो नीति है, हिंदुस्तान में पहला बार भूपेश बघेल का सरकार पीएल पुनिया ने इस नीति को चालू किया है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता लोग का पार्टी है, कार्यकर्ता का शिकायत, कार्यकर्ता लोग आएंगे शिकायत लेके उसको निराकरण करने का, ये आज़ादी के बाद पहला बार किसी सार्वजनिक जीवन में ऑफिस में हमारा कांग्रेस भवन में राजू भवन बैठने का आदेश हमारा पार्टी ने तय किया है, ये स्वागत हो गया है। लेकिन पहले खूब आते थे, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी भी आया होगा इसलिए कम आए हैं। हम जब तक हमारा सरकार चलेगा ये सिलसिला कार्यक्रम चालू रहेगा। कैमरा में दीपेश सोनकर के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।